रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक किताब लिखेंगे जो जेल में उनको यातनाएं मिली हैं उसके मद्देनजर। हाल ही में 27 महीने की जेल काटकर वो बाहर आए हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है जेल के अंदर, उनको यातनाएं दी गई हैं। अब इन्हीं यातनाओं को लेकर आजम खान एक किताब लिखेंगे और सबको बताएंगे कि आखिरकार जेल में उनके साथ 27 महीनों में क्या क्या हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके संसद पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा माहौल बनता है कि आजम एक साल के भीतर ही जेल भी पहुंच जाते हैं। फरवरी 2020 में जेल गए आजम खान 27 महीने बाद मई 2022 में बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद अपने साथ जेल में हुई यातनाओं की बात करने लग जाते हैं। अब इन्हीं यातनाओं को लेकर आजम खान ने एक किताब लिखने का ऐलान कर दिया है। आजम खान ने एक चैनल से बातचीत में जेल के दिनों को याद करते हुए किताब लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उन यातनाओं के बारे में मैं लंबे समय तक लोगों को बताता रहूंगा। आजम खान शायराना अंदाज में कहते हैं, तबीयत को ठीक तो नहीं कह सकते लेकिन जिंदा हूँ। जेल की यातनाओं के बारे में आजम ने कहा कि बताने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए कई महीने चाहिए, आगे भी बताता रहूंगा। आजम ने यह भी कहा कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी भी जाएंगी, मैं भी किताब लिखूंगा। आजम ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश के कानून में लिखा गया है कि किसी को अकेले कैद में 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। कानून को बदले जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इसे क्यों बदला गया, जब दुनिया के कई देश गुलाम थे तब इस तरह के कानून बनाए गए थे। अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों या फिर सत्ता को चुनौती देने वालों के लिए इस तरह के कानून बनाए थे, हमें भी उसी तरह की स्थिति में रखा गया। आजम खान ने कहा कि जेल की काल कोठरी में हमें कैद क्यों किया गया, हमारे खिलाफ तो कोई मामला ऐसा नहीं था, ना तो हम पाकिस्तानी एजेंट है और ना ही ये साबित हुआ है। मुझे वो सजा मिली जो अंग्रेजों के जमाने में लोगों को मिला करती थी। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए आजम ने कहा कि हमारे ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, फर्नीचर चोरी, किताब चोरी जैसे मामलों में डकैतों की दफा लगाई गई। मंत्री रहते हुए मैंने, मेरी पत्नी और बेटे ने शराब की दुकान लूटी है, ये मुकदमा है हम पर। बोतलें लूटी हैं हमने शराब की, जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया। गल्ले से 16,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया गया। अफसोस ये नहीं है कि हमारे ऊपर मामला क्या है, अफसोस इस बात का है कि हमारे ऊपर किस तरह के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, उनका स्तर क्या था। जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए आजम कहते हैं कि मैं एक विश्वविद्यालय का संस्थापक हूँ, मुझे मार दिया जाए तब भी मैं फाउंडर रहूंगा। मैं 4 CBSE स्कूलों का निदेशक हूँ जहाँ 20 रुपए फीस है। रिक्शा ठेला चलाने वालों के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनसे फीस नहीं ली जाती। आजम ने ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी ने मुझसे 5 दिन पूछताछ की, जेल में मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, 8-8 घंटे बैठ कर पूछताछ की गई। सवाल थे विदेशों में कितने मकान हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2 अकाउंट हैं, एक संसद का और दूसरा विधानसभा का। इन सवालों पर मुझे शर्म आई कि मैं कहां पकड़ा गया।